हैं रिजवी और हम इस वक्त मौजूद हैं शामरा में, और शामरा के एक किला है पुराना सा। यहाँ पे हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की, जहाँ पे हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद किया था, उनका कैद खाना है। तो आएँ आपको मौला अली नकी अलैहिस्सलाम का कैद खाना दिखाते हैं। उससे पहले ये किला बना हुआ है जी, यहाँ पे ना जितने भी उस दौर के शायद कैदी हुआ करते थे तो उनको रखा करते थे। ये देखें, ये किला बना हुआ है ऊपर, और नीचे जिंदान है जिसमें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। तो आपको उसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये देखें बिल्कुल 30-40 सीढ़ियाँ नीचे हैं, मैं आपको सीढ़ियाँ भी गिन के बताता हूँ। ये नीचे जा रहे हैं हम, बिस्मिल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आप बिल्कुल नीचे 8 सीढ़ियाँ हो गई हैं इस वक्त, और ये देखें ताहते निगाह सीढ़ी सीढ़ियाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ 10 11। क्या जुल्म सितम और सादात पे किए गए। ये तकरीबन 42 सीढ़ियाँ हम नीचे उतरे हैं, 42 सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे हम आए हैं, तो इससे भी नीचे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ये जिंदान है जहाँ पे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जिंदान, इतने जुल्म सादात पे किए गए हैं। यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, अपने नाम मेरा रख सकीना बाबा, मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा। अली नकी अलैहिस्सलाम को इस छोटे से जिंदान में कैद किया गया जहाँ पे मौला ना खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे। ये देखिए, तमाम मोमिनीन ज़ियारत करें और दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 40 सीढ़ियाँ नीचे ये जिंदान बनाया गया है। तो हम तमाम मोमिनीन के लिए यहाँ से दुआगो हैं, मौला तमाम मोमिनीन को हमेशा सलामत रखें, और जो देखने वाले हैं मौला उनके पुरसे कबूल फरमाएं।